जब बारात आई, ये सभी लोग इंतजार में कि बारात आए स्वागत करे, तभी वहां से देवता लोग आते दिखाई दिए। स्वागत करने वालों ने सोचा कि ये देवता लोग ही बराती होंगे और ये सबसे आगे विष्णु भगवान, यही दूल्हा होंगे। विष्णु भगवान बोले, सुनिए, हम में से न कोई दूल्हा न कोई बराती, फिर हम भी तुम्हारी तरह बारात देखने आए हैं। छोटे छोटे बालक भी बारात का इंतजार कर रहे थे, तो इन्होंने पूछा, बारात है कहाँ? ओ विष्णु भगवान, जो शंकर जी की जमात की तरफ इशारा किया। हे भगवान, किसकी हिम्मत सो ये कहे, पधारिए, आपका स्वागत है। अरे, स्वागत करने वाले स्वागत छोड़कर भागे और बारात देखी कांपने लगे और भागे और गिरे तो किसी तरह धूल नहीं झड़ा पा रहे, और छोटे छोटे बालक आगे भागे, देखे पीछे ठोकर लगे, फिर गिरे, जैसे तैसे अपने घर में पहुंचे। माँ बाप ने, माँ पिताजी ने सोचा, खुशी में दौड़ते हुए आ रहे, अरे इतनी खुशी में, अरे बारात कैसी, दूल्हा कैसा, सब बताओ तो। बालक बोले, हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? कहा, पहले घर का दरवाजा बंद करो। अरे तो यह तो बताओ कि दूल्हा कैसा, बाराती कैसे? तो क्या बोले बालक, तैन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, तन झार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जो कट मुख रजनी चरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन बिकट मुख रजनी चरा, संग भूत। माँ पिताजी ने पूछा कि फिर भी और बारात का वर्णन तो करो, बारात बताओ तो कैसी है? तो बालक बोले, बारात कैसी है ये नहीं बता सकते, लेकिन बारात दर्शन की महिमा अवश्य बता सकते हैं। क्या महिमा है? जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, जो जियत रही बारात देखत सो उमा विवाह घर घर बात असलरी करा कही, देखी सो उमा विवाह घर घर बात असलरी करा कही। हाँ, देखत देखत सोहा दे। बालक बोले कि जो बारात देख कर जी जाए, जीवित रह जाए, बच जाए, समझ लो उसके बड़े भारी पुण्य हैं। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, और देखत सो उमा विवाह घरी घरी बात अस लरिकन कही। कहने लगे ऐसे माँ
पिताजी ने कहा कि अरे बालको डरो मत, जाओ खेलो। बालक बोले खेलो, जब तक बारात रहेगी हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो अब उनका हाल सुनो जो कन्या पक्ष में स्वागत करने के लिए गए थे और भूत प्रेतों को देखकर वापस लौटे और उन लोगों से कहा, पूछा, एक ने पूछा, क्यों भाई बारात आ गई? वो बोला ही नहीं कुछ। अरे तुमसे ही पूछ रहे हैं, आ गई? कुछ नहीं। अरे भाई बताओ आ गई? आ गई, ऐसे बोला आ गई बड़ी निराशा से। तो ठहरा दिया, वे तो ठहर गए। अब उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, स्वल्प आहार लेकर जाओ। सो बोला किसी दूसरे को भेज दो। कहा तुम क्यों नहीं जाते? कहा जो जाएगा सो पता लग जाएगा। जो स्वल्प आहार लेकर गए, अब भूत प्रेत दिखे कहीं नहीं, आवाजें सुनाई, ला ला। ऊपर देखा उड़ते हुए सामग्री रखकर वे भागे आए। दिन भर बीता, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। शाम को माता मैना ने सुंदर आरती सजाई। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गाव ही नारी। कंचन थार सोहवर पानी, परिछन चली हर ही हर शानी। मैना माता शाम को उन्होंने सुंदर आरती सजाई, नारियां सुमंगल गाने लगी। तभी नारद बाबा आए। अब नारद जी ने तो मैना माता ने, आओ आओ नारद बाबा, आज का शुभ दिन लाने वाले तो आप ही हो। नारद जी बोले सब भगवान की कृपा है माता। तो तब तक भगवान विष्णु आते दिखाई दिए, देवता आते दिखा दिए। तो विष्णु भगवान को देखकर मैना माता बोली कि बाबा यही दूल्हा है। तो कहने लगे नारद जी, अरे माता क्या छोटी बात करते हो, आपके जो दामाद हैं उनके ये मित्र हैं। हाँ, मैना माता ने कहा मित्र ऐसे तो दूल्हा कैसा होगा, पता लगेगा आने वाले। तब तक देवराज इंद्र दिखाई दिए, यही दूल्हा है यही। नारद जी क्या बात करती हो माता, आपके जो दामाद है ना उनके ये नौकर चाकर हैं पानी मानी की व्यवस्था करने वाले। नौकर ऐसे तो मालिक कैसा होगा, पता लगेगा आने वाले हैं। अब शंकर जी आने वाले थे, तो मैना माता ने सोचा कि अब शंकर जी आने वाले हैं। तब तक नारद जी ने सोचा अब हम खिसक ले हो, अब हमें खिसक लेना चाहिए। क्यों? कहा मान लो शंकर जी को मैना माता ने देख लिया तो फिर हमारी खैरियत नहीं है। गए तो शंकर जी आए, बैल पर बैठे थे और बैठे ही उल्टे थे। तो बैल दिखे दूल्हा न दिखे,